झंडूता उपमंडल की ग्राम पंचायत ग्रहण के गांवों में मास्क व सैनिटाइजर बांटने का काम पूर्व झंडूता पंचायत समिति के अध्यक्ष राजकुमार कौंडल द्वारा किया जा रहा है। कोविड-19 के चलते देश व प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ही इनके पिता स्वर्गीय रिखीराम कौंडल व पूर्व मंत्री की यादगार में राजकुमार कौंडल ने 25,000 मास्क वितरित करने का लक्ष्य रखा है और उसी के अंतर्गत इन्होंने अब तक झंडूता उपमंडल के अंतर्गत 22,000 से अधिक मास्क वितरित कर अपना लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। हालांकि अब इन्हें जो कुछ पंचायतें छूटी हैं उसमें जाना असंभव नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा झंडूता उपमंडल में समाज सेवी व सामाजिक संस्थाओं को अपनी पंचायत स्तर तक सीमित कर दिया है। इसी के चलते इन्होंने अपनी स्थानीय पंचायत में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का काम किया। उन्होंने इस मौके पर खतरनाक कोरोना वायरस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक भी किया, ताकि आमजन सहयोग से इस खतरनाक बीमारी से अपना व अपने समाज का बचाव कर सकें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। मैं राजकुमार कौंडल, समस्त प्रदेशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैली है, इस महामारी से बचने के लिए मैंने अपने चुनाव क्षेत्र झंडूता में अपने पिता स्वर्गीय श्री रिखीराम कौंडल जी की यादगार में 25,000 मास्क वितरित करने का निर्णय लिया था और उसमें से 21,000 मास्क वितरित कर दिए हैं। मैं झंडूता की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं इस लक्ष्य को प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक को लेकर पूरा नहीं कर सका। मैं कानून का उल्लंघन ना करते हुए मैंने अपने ही पंचायत में मास्क वितरित किए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि लॉकडाउन के बाद आपके घर घर आऊंगा और इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। मेरे पिताजी ने लगभग 35 वर्ष झंडूता चुनाव क्षेत्र में आपके सहयोग से बहुत बड़े नेता के रूप में राजनीति की। मुझे गर्व है कि उनके द्वारा किए हुए विकासात्मक कार्यों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। मैं भी सभी को आश्वासन देता हूँ कि मैं भी समाज सेवक के रूप में आपकी सेवा करता रहूँगा। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले कल पंजाब में बाहर से आए लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनकी संख्या 2 दिन में 2 गुनी हो गई। मैं हिमाचल में दूसरे प्रदेशों से आए लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस बीमारी को समझें और सरकार के दिए निर्देशों का पालन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। धन्यवाद।